नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। हमारे किसी सब्सक्राइबर ने एक कमेंट लिखी थी कि मैडम मैं क्या करूं कि मेरे पति को हर काम में सफलता मिले, मेरे पति का नाम हो। मैं आपको इसका जवाब इस वीडियो में दे रही हूं, क्योंकि आपके लक्षण, आपके द्वारा किए गए कर्म, आपके घर का माहौल जो भी है, वो महिलाओं के ऊपर ज्यादा, मतलब 100% तो नहीं, क्योंकि कितने घरों में देखा है महिलाएं बहुत अच्छी हो, लेकिन पुरुष जो है अगर वो गंदी आदतों के शिकार हो गए हैं, नशा कर रहे हैं, चरित्रहीन है, बाहर कहीं महिलाओं के साथ उनका रिलेशन है, तो ऐसे घरों में भी लक्ष्मी नहीं रहती और घर में हमेशा कलह रहती है। लेकिन यदि पुरुष ओके है, ठीक ठाक है, तो घर, मैं ये कहूंगी महिला जैसा बनाती है घर वैसा ही रहता है। आप जिस घर में पांव रखेंगे, आप उस घर की साफ सफाई, घर का डेकोरेशन, घर की शांति, घर के अंदर की जो सात्विकता है, ये तमाम चीजों को आप महसूस करेंगे। और श्रेय किसके ऊपर जाता है? महिला के ऊपर, नेचुरली। हाँ, इस घर में महिला ने घर को इतना अच्छा सजा संवार कर रखा है, घर को इतना अच्छा मेंटेन करके रखा है, कोई भी पुरुष का नाम नहीं लेता। तो इसीलिए महिला को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, महिलाएं घर की लक्ष्मी है। अब कितनी बार ये होता है कि कंपटीशन का जमाना आ गया, लोग मॉडर्न हो गए, तो महिलाएं कितनी बार बात, तो और कई बार यदि वो उनकी नौकरी है, बाहर काम से बाहर जा रही है, तो फिर ये बहुत जरूरी भी है कि बाकी के जो मेंबर्स है वो भी घर के काम में हाथ लगाए, क्योंकि महिला सिर्फ घर का काम नहीं कर रही है, वो बाहर का भी मेंटेन कर रही है। तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी कि आप उसको सपोर्ट करें। अगर ऐसे में कोई महिला बोलती है कि नहीं मैं 8 घंटे बाहर काम करके आऊं और फिर पूरे घर का काम उठाऊं, तो किसी से भी नहीं हो सकता। लेकिन जो महिलाएं घर में ही हैं और वो अगर ये तमाम कार्य कर रही हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं, तो समझिए पति का सौभाग्य है कि उसको ऐसी पत्नी मिली है। पति का भाग्य चमकेगा और चमकेगा, पति का नाम रोशन होगा और होगा। सबसे पहला लक्षण, शादीशुदा है, महिला है, तो आप घर की लक्ष्मी है। सुबह उठते के साथ जो महिला स्नान आदि करने के बाद किचन में प्रवेश करती है, किचन में चाय बनाने से पहले भी माता अन्नपूर्णा का दिया लगाती है, साक्षात वो माता अन्नपूर्णा का स्वरूप बन जाती है। जो महिला घर को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखती है, ये नहीं है कि घर में, घर के कोनों में यहां वहां गंदगी पड़ी रहे, नहीं, घर को पूरी तरीके से स्वच्छ रखती है, उस घर में माता लक्ष्मी जरूर प्रवेश करती है। जो महिला अपने घर के प्रत्येक मेंबर को समय से भोजन प्रदान करती है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं रोज चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करें और समय से उन्हें भोजन दे, उनकी सेवा करें, उस घर में गुरु बहुत मजबूत रहते हैं। गुरु मजबूत है मतलब पूरे घर की किस्मत आज नहीं तो कल चमकने ही वाली है। जो महिला सुबह शाम नियम से घर में दिया बत्ती लगाती है, उस घर में माता लक्ष्मी अवश्य ही आती है। जिस घर में दोस्तों अतिथि घर से भूखा ना जाए, घर में आने वाले मेहमान घर से दुखी होकर के ना जाए, साधु संत जिस घर में आना चाहे और आपकी सेवा लेकर के घर से जाते हो, जो महिला ऐसी सेवा करती है, घर में आने वाले व्यक्ति को भूखा कभी ना जाने दे, ऐसी महिला साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। जो महिला की पसंद उसके पति की पसंद से मिलती रहे, जो अपने पति के सुख में सुखी, दुख में दुखी रहे, वो पत्नी हमेशा अपने पति का सौभाग्य उजागर करने वाली होती है। दूसरा, कई महिलाओं की वाणी बहुत ही कर्कश होती है, बहुत ही गंदी वाणी बोलती है, तो ऐसा लगता है किसी को डंडा मार रही है, ऐसे नहीं, वाणी हमेशा मृदु रखें। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एवरीडे ऐसे रहेंगे, कभी घर में गुस्सा होता, ऐसा माहौल होता है कि महिलाओं को गुस्सा करना ही पड़ता है, क्योंकि आपने कहीं साफ सफाई कर दी है, उसके बाद में घर में बच्चे हैं, घर के जो भी मेंबर्स यहाँ पर गंदगी करेंगे, तो थोड़ा चिल्लाना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है। तो जो नेचुरल ढंग से होता है वो तो अलग बात है, लेकिन कई घरों में देखा अननेचुरल ढंग से महिलाओं का चीखना, चिल्लाना, जोर जोर से बोलना, जोर जोर से हंसना,
घर के अंदर बिना वजह का कलह पैदा करना, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती। जो महिलाएं परनिंदा करती हैं, मैंने कई घर ऐसे देखे दोस्तों जहां महिलाएं कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलेगी, खास तौर से उनके घर में यदि उनकी अपनी देवरानी से नहीं बन रही है, जेठानी से नहीं बन रही है, कंटिन्यू उसकी निंदा, ननद से नहीं बन रही है, कंटिन्यू निंदा। तो जो लोग, जो महिलाएं निंदा में रत है, उनके घर में कभी धन नहीं आता। पर निंदा से बचे, घर के माहौल को शुद्ध साफ सात्विक बनाए, घर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखें, घर में आया हुआ व्यक्ति खुश होकर के घर से जाए ऐसी कोशिश करें, घर के लोग स्वच्छ कपड़े पहने, समय पर उन्हें भोजन दे, ये सबसे बड़ा धर्म है। ऐसी महिला हमेशा अपने पति के लिए दोस्तों भाग्यशाली ही साबित होती है। आज आपने इस वीडियो को देखा है, आप नोटिस करके देखना। हाँ, कई बार ऐसा होगा, कई महिलाएं मुंह से बहुत मीठा बोलती है लेकिन पीठ पीछे जबरदस्त कैंची से काट देती है व्यवहारों को। पति से इतनी चुगली करेंगी अपनी ननंद के बारे में कि पति के मन में भी संदेह होने लग जाता है कि हाँ, मेरे दुर्भाग्य का कारण मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरा ये दोस्त है, यार है। कई पत्नियां ऐसी आती हैं कि पति को चारों तरफ से बर्बाद कर देती हैं, फिर वो सिर्फ उस पत्नी के पास बैठा रहेगा, धीरे 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 मंद बुद्धि हो जाता है क्योंकि वो सब जगह से अपना रिश्ता तोड़ चुका होता है। पत्नी चारों तरफ लहरा रही है लेकिन पति का अस्तित्व खत्म। तो ऐसा मौका, ऐसा माहौल घर के अंदर ना बनने दें। कभी भी पत्नियों को भी जो पति है ऐसा मौका ना दें कि वो हद से ज्यादा किसी की भी निंदा करे आपके सामने और आप उसको एक्सेप्ट करने पर मजबूर। हमेशा अपने धर्म पर खड़े रहें, किस्मत चमकेगी और चमकेगी। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप नोटिस करके देखना। जो लक्षण मैंने बताए हैं महिलाओं के, जिन महिलाओं में लक्षण है वो घर हमेशा सुखी ही होगा। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।